हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन जो 12वीं मैथ से लिया गया है आरएस अग्रवाल से, उसमें एक्सरसाइज 10E के क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि log root under x square plus y square is equal to tan inverse y by x हो तो डिवाइड बाय dx। कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया डी बाई डी एक्स। इधर वाले में भी मतलब लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले में, फिर डी बाई डी एक्स हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स में। तो ये क्या होता है, लॉग के एंगल में जो है पहले तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करेंगे रूट के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में, और फिर उसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। उसी तरह इधर भी तो एंगल में जो है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो पहले तो वाई बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई बाय एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हो गया लॉग का 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इंटू यू बाय वी। x को छोड़ दिए तो y को डिफरेंशिएट माइनस y को छोड़े x का डिफरेंशिएट बाय v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये हो गया 1/2 और रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां भी तो रूट हट गया तो हो गया बस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इंटू अंदर से 2 कॉमन ले लो तो ये x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस 1/1 यानी y स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर इंटू फिर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 के बट्टा में एक्स स्क्वायर। देखो भाई 2 के साथ तो 2 कैंसिल, इससे आप अंदर गुना कर सकते हो या रहने दो, तो क्या हो गया 1/ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो ठीक है, इधर भी इंजॉय अगर करें हैं तो 1/ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बट्टा में एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के बट्टा में एक्स स्क्वायर। आप गौर से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जो बचा वो इसके साथ कट गया, तो अब क्या हो गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, जहां जहां डी वाई बट्टा डी एक्स उसको एक तरफ और बाकी को उधर, तो वाई को इधर ला दो तो एक्स प्लस वाई इधर आया इधर जाएगा, तो हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अगर अगर वाई बराबर एक्स साइन वाई हो तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वाई बाई वन माइनस एक्स कॉस वाई साबित करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंपल ही चलो। सॉल्यूशन में क्या है, तो चूंकि वाई इज इक्वल टू एक्स साइन वाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर यू इंटू वी पे, एक्स को छोड़ दिए तो साइन वाई को पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस साइन वाई को छोड़ दिए एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स गुने साइन वाई का हो गया कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई गुने एक, जहां जहां डी वाई बटा डी एक्स उसको एक तरफ करो तो यहां पे है डी वाई बाई डी एक्स और ये आएगा इधर, तो माइनस में एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन वाई, तो अगर डी वाई बटा डी एक्स यहां से कॉमन ले लू तो क्या होगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई बराबर साइन वाई। भाई ऐसा करता हूं सीधा डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया साइन वाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई, अपने मर्जी से इधर भी एक्स से गुना और इधर भी एक्स से गुना, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखो बाबू एक्स साइन वाई किसके बराबर वाई के बराबर, तो ऊपर में हो गया वाई बट्टा 1 माइनस एक्स कॉस वाई। चलो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स वाई हो तो साबित करो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स होगा। कुछ नहीं करना हमें, बस जो है वो लिख दो, तो यहां पे लिखेंगे दिया है एक्स वाई बराबर टेन के एंगल में एक्स वाई।
अब बस डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बट्टा डी एक्स किसका एक्स वाई का, फिर डी बाई डी एक्स किसका टेन के एंगल में है एक्स वाई, ये हो गया यू इंटू वी पे, तो एक्स को छोड़ दिए वाई का डिफरेंशिएट प्लस वाई को छोड़ दिए एक्स का डिफरेंशिएट, फिर डी टेन एक्स वाई का तो एंगल में है एक्स वाई उसके रिस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को छोड़ दिए वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को छोड़ दिए एक बराबर टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू यू इंटू वी, एक्स को छोड़ दिए वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को छोड़े एक, ये हो गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर इससे अंदर बना करेंगे तो हो गया एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई से करो तो प्लस में वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, जहां जहां डी वाई बटा डी एक्स उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो इधर तो है ही इसको उधर ले चलो, तो ये हो गया y माइनस ये आएगा इधर तो y sec स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है बराबर ये तो है ही x sec स्क्वायर एक्स वाई ये भी जाएगा तो माइनस में x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करते हैं माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो पहले sec होगा तो sec स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लू तो हो गया sec स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आप ध्यान से देखो जो यहां वही यहां भी तो कट गया तो माइनस वाई बराबर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस वाई बाई एक्स। ये 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, तो साबित करो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना लॉग एक्स बटा वन कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो भाई सबसे पहले चूंकि वाई बट वाई इंटू log x बराबर क्या है x माइनस y, y को इधर भेज दीजिए तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x, y कॉमन ले लिए हो गया log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, जब दोनों डिफरेंशिएट करते हैं तो y को छोड़ दिए तो डिफरेंशिएट किसका log x प्लस 1 का, फिर प्लस में जब log x प्लस 1 को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएट किसका y का इज इक्वल टू फिर y का x का डिफरेंशिएशन, चलिए ये क्या हो गया y इंटू लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स और वन का जीरो, फिर प्लस में ये तो log x प्लस वन तो छोड़ चुके हैं तो ये हो गया dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, इसलिए इसको रहने दीजिए तो हो गया log x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन माइनस वाई बाई एक्स, इसलिए हो गया log x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई बाई एक्स। अब बताओ सबसे पहले कि x माइनस वाई के जगह आप क्या लिख सकते हो क्वेश्चन से y log x के बट्टा में x, एक बार और आप एक लाइन लिख दो तो log x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया log x के बट्टा में x बट्टा y चलेगा क्या y नीचे आएगा, अब आ जाओ यहां पे बाबू कि x बट्टा y बराबर कितना तो हो गया आपका log x प्लस वन रख दीजिए यहां पे तो हो गया आपका log x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x बट्टा log x प्लस वन, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x बट्टा log x प्लस वन का होल स्क्वायर। एक 23 नंबर क्वेश्चन है कि अगर cos y इज इक्वल टू x cos y प्लस a हो तो साबित करो dy by dx बराबर cos स्क्वायर y प्लस a by sin a, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करना पहले चूंकि cos y बराबर क्या है x cos y प्लस a डिफरेंशिएट करवाओ ना तो हो गया d cos y के बट्टा में dy इंटू dy by dx, फिर u इंटू v x को छोड़ दिए तो cos y प्लस a को पहले y प्लस a के रिस्पेक्ट में फिर y प्लस a को x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस में क्या होगा तो cos y प्लस a को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन cos y का हो गया माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू cos का हो गया माइनस में साइन y प्लस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस ए इंटू वन, तो यहां पे हो गया डी वाई बटा डी एक्स एक और इस टर्म में भी इधर आएगा तो हो गया प्लस में एक्स साइन वाई प्लस ए और इंटू में
dy by dx बराबर क्या हो गया cos y plus a, इसलिए अगर केवल dy बटा dx पूछूं तो क्या हो गया cos y plus a by x sin y plus a और माइनस में sin x। देखो भाई क्या करना होगा इसमें, अपने मर्जी से cos y plus a से ऊपर भी और cos y plus a से नीचे भी गुणा कर देता हूं, इससे क्या होगा तो देख लो आप, ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर y plus a जो हमको चाहिए, और नीचे इससे तो दोनों में गुणा होगा ना, इधर भी जोड़ तो हो गया x cos y plus a into sin y plus a minus sin x into cos y plus a, ठीक है। क्या हो गया ये dy by dx बराबर cos स्क्वायर y plus a के बच्चा में, देखो भाई x cos y plus a के जगह पे cos y तो गया cos y into में sin y plus a फिर माइनस cos y cos स्क्वायर y plus a बट्टा में x cos y plus a के जगह cos y into sin y plus a। और अच्छा एक मिनट, ये sin y है ना, यहाँ पे sin y है, ये हो गया sin y तो गया आपका माइनस sin y into में cos y plus a। अब देख लो आप dy by dx बराबर cos स्क्वायर y plus a, साइन ए इंटू कॉस भी माइनस कॉस ए इंटू साइन भी, फॉर्मूला होता है साइन ए, ए मीन्स वाई प्लस ए, माइनस बी, बी मीन्स वाई, वाई से वाई कट रहा हो गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए बाई साइन ए। इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिए, आखिरी क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन 24 नंबर की, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर टेन इनवर्स ए के बराबर हो तो साबित करो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू वाई बाई एक्स होगा। तो चलो भाई सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, हम कॉस को उधर भेजना चाहते हैं तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए का। ये यू बाई वी पे तो वी को छोड़ दिए है ना, यू यू माने ऊपर वाले का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और बराबर बट्टा में फिर वी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बराबर क्या होगा तो जीरो, क्योंकि कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए उसमें एक्स की कहीं चर्चा ही नहीं, मतलब ये टोटल कांस्टेंट है उसका जीरो। अच्छा देखो अब अगले टर्म में अगर गुना करते हैं जीरो से नीचे वाले को तो जीरो हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोड़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इससे जो अंदर गुना करते हैं ना तो क्या हो गया ये टू एक्स क्यूब फिर माइनस में टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर से अंदर गुना करो तो प्लस में टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस में टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चलो बीच में माइनस और माइनस से ही किससे गुना करो तो माइनस एक्स स्क्वायर से, इसमें तो गया माइनस में टू एक्स क्यूब फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर से इसमें तो गया प्लस में टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस में हो गया फिर टू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखो भाई कुछ कट रहा है क्या, तो 2y क्यूब डिवाइड बाय dx प्लस में एक माइनस में कैंसिल, 2x क्यूब माइनस में 2x क्यूब प्लस में कैंसिल और बचेगा तो देखो भाई 2xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर तो हो गया 4xy स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो, इसलिए 4xy स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर y इनटू यहां पे होगा dy बाय dx इनटू dy बटा dx। तो इसीलिए बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 4x into y into y is equal to 4xy into x into dy by dx, 4x वैसे 4xy कैंसिल
इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स हमें तो ये साबित करना था। और इसी तरह से पूरे बुक के क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे धीरे धीरे। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको उससे कुछ नुकसान तो होगा नहीं, साथ ही फायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन पाएंगे।